हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में 30 सितंबर तक बारिश की संभावना। पश्चिमी राजस्थान में सूखे से जूझ रहे किसानों को मिलेगी राहत। पूर्वी हिस्से के जयपुर समेत 5 संभागों में होगी बारिश। राजस्थान में मॉनसून को लेकर आज मौसम विभाग ने नया बुलेटिन जारी किया है। इसके तहत अगले 2 सप्ताह तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। विभाग ने राज्य में 1-2 सप्ताह सामान्य से अधिक बरसात होने का अनुमान जताया है। अच्छी बात यह है कि बारिश पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी होगी, जिससे वहां सूखे जैसी स्थिति से परेशान किसानों को राहत मिल सकती है। जयपुर मौसम विभाग से जारी फोरकास्ट के मुताबिक 17 से 23 सितंबर तक पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में हल्की और मध्यम दर्ज की बारिश का दौर रुक रुक कर चलेगा। वहीं दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ा क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसी सप्ताह पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वहीं दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ा क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसी सप्ताह पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इसी तरह 24 से 30 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह पूर्वानुमान के मुताबिक सितंबर में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। जयपुर मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा, बारह, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़ा, कोटा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों के कई क्षेत्रों में हल्की और मध्यम दर्ज की बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा जिले में हुई, जहां 2 इंच से ज्यादा बरसात हुई। बांसवाड़ा के गढ़ी में 55 मिलीमीटर, घाटोल में 52 मिलीमीटर और भूंगरा में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह बारा में 17 मिलीमीटर, भरतपुर के कामा में 3 मिलीमीटर, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में 11 मिलीमीटर, बिजोलिया में 5 मिलीमीटर, बूंदी में 13 मिलीमीटर, गुड़ा डैम में 8 मिलीमीटर, चित्तौड़गढ़ के बेंगू में 10 मिलीमीटर, राशमी में 4 मिलीमीटर, डूंगरपुर के सबला में 43 मिलीमीटर, आसपुर में 35 मिलीमीटर, सागवाड़ा में 27 मिलीमीटर, गणेशपुर में 24 मिलीमीटर, झालावाड़ के अकलेरा में 31 मिलीमीटर, डग में 19 मिलीमीटर, मनोहर थाना में 14 मिलीमीटर, कोटा के कानावास में 37 मिलीमीटर, खतौली में 15 मिलीमीटर, सांगोड़ में 11 मिलीमीटर, रामगंज मंडी में 4 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ के अरनौर में 19 मिलीमीटर, पीपल खुंट में 14 मिलीमीटर, उदयपुर के खैरवाड़ा में 18 मिलीमीटर और ऋषभदेव में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगले 3 दिन क्या रहेगी प्रदेश की स्थिति? जयपुर मौसम विभाग के मुताबिक 17 सितंबर को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिले में कहीं कहीं हल्की और मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसी तरह 18 सितंबर को सिरोही, उदयपुर और राजसमंद के लिए विभाग ने अर्जेंट अलर्ट जारी करते हुए यहां भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और बारा जिले में हल्की व मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के पाली और नागौर जिलों में भी बारिश हो सकती है। 19 सितंबर को राजसमंद, भीलवाड़ा जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। इसी तरह सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, कोटा, झालावाड़, अजमेर, टोंक, जालोर, पाली, नागौर और बारा जिले में हल्की और मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघावल की रिपोर्ट।